शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आरोही शेयर कर रही हैं जर्मनी से। आरोही कहती हैं कि आज आपके साथ मैं अपनी नानी अम्मा के बचपन की एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। नानी अम्मा बताती हैं उस वक्त वो गुंजनापुर एक गाँव में रहा करती थी और नानी अम्मा का जो स्कूल था वो गाँव से काफ़ी दूर था। नानी अम्मा के जो अब्बू थे वो उनको गांव के बाहर आकर छोड़ दिया करते थे और वहाँ से वो स्कूल बस में अपने स्कूल जाया करती थी। हस्बे मामूल वो अपने स्कूल से वापस आ रही थी तो रास्ते में उनकी स्कूल बस ख़राब हो गई। स्कूल बस इतनी देर ख़राब रही कि काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत गया। नानी अम्मा अकेली नहीं थी, उनकी एक सहेली भी उनके साथ ही थी। यहाँ तक कि नानी अम्मा के जो अब्बू थे वो काफ़ी देर गांव के बाहर उनका इंतज़ार करते रहे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अल्लाह खैर करे कि अभी तक वो लोग वापस क्यों नहीं आए। जैसे ही वो वापस गांव में गए, वहाँ से उन्होंने ये कहा कि वो गांव के कुछ लोगों को ले जाकर स्कूल में इंक्वायरी करेंगे कि आखिर इतनी देर हो गई है और अभी तक उनकी बेटी वापस क्यों नहीं आई। स्कूल बस ठीक होते होते भी शाम हो गई। जब स्कूल बस वापस गांव के मोड़ पर उनको छोड़कर गई तो नानी और उनकी सहेली अकेली ही घर वापस आ रही थी। वो लोग कहती हैं कि अभी हम लोग जब वहां पर उतरी तो वहां पर कोई भी नहीं था, यानी हम लोगों के घरों से हम लोगों को पिक करने के लिए कोई भी नहीं आया हुआ था। हम लोगों को इस बात का यकीन था कि वो लोग काफ़ी देर इंतज़ार करके यहाँ से जा चुके हैं। तभी वो लोग पैदल अपने अपने घरों में जाने के लिए गांव के रास्ते पर निकल पड़ी। गांव का जो रास्ता था वो शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा सुनसान और वीरान होता था। दिन के टाइम तो वहाँ से गुज़र बसर होता था लेकिन शाम के बाद वहाँ से कोई भी नहीं गुज़रता था। वो था गांव का एक कच्चा रास्ता जिसके दोनों साइडों पर बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे। जैसे वो उस कच्चे रास्ते पर जा रही थी वहाँ पर रास्ते में एक कुआँ भी आता था और उस कुएं के बारे में बहुत सी बातें मशहूर थीं। उस कुएं के पास एक पीपल का दरख्त होता था। उस पीपल के दरख्त के बारे में भी बहुत सी बातें लोगों ने उड़ाई हुई थी कि वहाँ पर भी बहुत सारे जिन्नात का बसेरा होता है। जैसे ही नानी और उनकी दोस्त उस कुएं के पास उससे गुजरने लगी तो नानी की दोस्त ने ये कहा कि मुझे वॉशरूम की हाजत हो रही है, मैं घर तक नहीं पहुँच सकती, तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करो। जैसे ही नानी वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी तो उनकी नज़र सामने पीपल के दरख्त पर पड़ी तो वो क्या देखती है कि वहाँ पर जैसे कोई परछाई है और वो उल्टी लटकी हुई है दरख्त के साथ। देखते ही देखते उसने पूरा एक रूप धार लिया और वो एक दुल्हन थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई नई नवेली दुल्हन हो और उसका चेहरा जो था जैसे वो नानी अम्मा की तरफ टर्न हुआ वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। उसके माथे के दरमियान में बिंदिया भी थी, जैसे इंडियन कल्चर के मुताबिक माथे के दरमियान में बिंदिया लगाई जाती है। जैसे ही नानी अम्मा ने उसे देखा नानी अम्मा की चीख निकल गई और नानी अम्मा ने ये कहा कि भागो, वो देखो सामने पीपल के दरख्त पर क्या है। उनकी दोस्त डर गई, उनकी दोस्त को ये लगा कि शायद नानी अम्मा उनके साथ मजाक कर रही हैं। वो गुस्से से बोली तुम ऐसे क्यों कह रही हो, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उनकी दोस्त ने उस तरफ देखा तो उन्होंने भी बाकायदा उस दुल्हन नुमा मखलूक को दरख्त के ऊपर से नीचे उतरते देखा और जब वो तेज़ी से उनकी तरफ भागने लगी तो वो दोनों चीखें मारती वहाँ से भागना शुरू हो गई। वो तेज़ी से भागती हुई आ रही थी और उनके रिलीजन के मुताबिक वो जो कुछ भी पढ़ते हैं उन्होंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते पढ़ते वो भागती जा रही थी और वो जो मखलूक थी जो दुल्हन के रूप में थी जो एक चुड़ैल थी वो उनके पीछे भयानक आवाज़ें निकालती निकालती उनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि वो लोग गाँव की हदूद में दाखिल हो गई। उस दौर में वहाँ पर गांव के जो लोग होते थे वो अपने माल मवेशियों की हिफाजत के लिए रात भर पहरा दिया करते थे कि कोई जंगली जानवर इनको खा ना जाए या कोई चोर आकर इनको खोल कर ना ले जाए। जैसे ही नानी अम्मा और उनकी जो दोस्त थी वो चीखें मारती हुई गांव में दाखिल हुई तो वहाँ पर दो पहरा देते हुए लड़कों ने उनको देखा और जल्दी से उनके पास आकर कहने लगे कि तुम लोगों को क्या हुआ है। तो डरते डरते उन्होंने सारी बात बताई, उन्होंने उनको हौसला दिया, तसल्ली दी और बाकायदा उनके घर तक उनको पहुँचाया।
नानी अम्मा को उस वक्त बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। नानी अम्मा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब नानी अम्मा के घर वालों को इस बात का पता चला तो वो उनको लेकर एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने जब उनको देखा, तांत्रिक ने जब कुछ पढ़ाई की, पानी दम करके पानी के ऊपर कुछ पढ़कर फूका और उनको वो दे दिया कि आप इसको पी लें। तो जैसे ही उन्होंने पिया तो उनकी कुछ तबीयत ठीक होने लगी। तो तांत्रिक का ये कहना था कि उस कुएं के पास मौजूद उस पीपल के दरख्त के ऊपर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का बसेरा है और वो जो चुड़ैल है इसी तरह से दुल्हन बन के वहाँ पर भटकती है और रात होते ही अगर उस कुएं और उस पीपल के पेड़ के पास से कोई गुजरे तो वो उसको नहीं छोड़ते। अगर ये लोग उस वक्त वहाँ से ना भागती और जो कुछ ये पढ़ती हुई आ रही थी ना पढ़ी होती तो शायद वो चुड़ैल इनको ज़िंदा ना छोड़ती। नानी अम्मा ने जब ये बात बताई तो उस वक्त भी वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डर आज भी उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। उसके बाद नानी अम्मा ने कभी भी रात गए उस रास्ते से कभी भी गुज़रना मुनासिब नहीं समझा, ना ही डर के मारे कभी वो उस रास्ते से शाम के बाद गुजरा करते थे। इस बात को लेकर पूरे गांव में एक खौफ व हिरास फैल गया था और फिर कोई भी गांव का आदमी, कोई भी लोग शाम के वक्त उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। ये एक स्टोरी थी जो आरोही ने शेयर की। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जैन शेयर कर रहे हैं अटक से। जैन कहते हैं, आज मैं जिनकी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनका नाम बीनिश है। बीनिश ये कहती है कि मेरी नन थी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उनको स्टमक का बहुत ज़्यादा इशू था। यहाँ तक कि उनके स्टमक का प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गया, उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तो हम लोग उनको हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ अरसा वो हॉस्पिटलाइज रही, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होता रहा, लेकिन इसके बावजूद वो ठीक नहीं हो सकी, उनकी डेथ हो गई। जैसे उनकी डेथ हुई तो सब बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी उनकी डेथ तकरीबन 2-3 दिन ही गुजरे थे उनकी डेथ के बाद, तो मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात का टाइम हुआ तो मुझे यूं आवाज़ आ रही थी जैसे मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है। मेरी आंख खुली तो मेरा नाम लेकर मुझे कोई पुकार रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर सहन में खड़ा होकर मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है। मैंने जब आवाज़ पर गौर किया तो वो आवाज़ ऐसे थी जैसे मेरी मदर इन लॉ मुझे आवाज़ें दे रही हैं। मैं फ़ौरन से उठी और बाहर जाकर देखने लगी। जैसे मैंने सहन का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सहन बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं वापस से अपने कमरे में आने लगी। अब मेरा जो बेड था उसके बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल था। जैसे ही मैं ड्रेसिंग टेबल को क्रॉस करके अपने बेड पर आने लगी तो जब मैं बिल्कुल मिरर के सामने से गुजरी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मैंने पिंक कलर का ड्रेस तो नहीं पहना। मेरी नज़र एकदम शीशे पर पड़ी, मैंने तो ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था। अपने तजस्सुस को दूर करने के लिए मैं दोबारा मिरर के सामने गई। उस वक्त मेरे जिस्म के ऊपर जो लिबास था वो वही था जो मैंने ग्रीन कलर का पहना हुआ था, लेकिन मैंने बाकायदा ख़ुद अपने आप को पिंक कलर के ड्रेस में मिरर के सामने से गुजरते हुए देखा था। मैं गौर से अपने आप को मिरर में देखने लग गई तो देखते ही देखते मेरा चेहरा अजीबोगरीब तरह से बदलने लग गया। मुझे अपने चेहरे में पूरा अपने नंद का चेहरा दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि मेरे चेहरे की जगह पर उनका चेहरा है। बस ये देखने की देर थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने चीखना शुरू कर दिया। मेरी चीखों पुकार सुन के सब लोग वहाँ पर आ गए। घर में काफ़ी ज़्यादा मेहमान भी थे। जब उन्होंने मेरी हालत देखी, मुझे कुछ दिलासा दिया और मेरे से जब उन्होंने सारी बात पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ इस तरह से हुआ है। मेरी आँख खुली थी तो मुझे आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी मदर इन लॉ मुझे आवाज़ें दे रही हैं, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खोलकर जब बाहर झांका तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और वापसी पर ड्रेसिंग टेबल के पास सामने से जब मैं गुजरी तो मुझे अपने कपड़ों का रंग तब्दील नज़र आया और बाकायदा फिर मुझे मिरर में अपनी शक्ल भी तब्दील नज़र आई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जिस नन की डेथ हो गई है वो शक्ल थी। और जब उसका चेहरा मेरे चेहरे में नमूदार हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि मेरे चेहरे को कोई खींच रहा है। मेरी स्किन में मुझे बहुत ज़्यादा खिंचाव भी महसूस हुआ था। वो बहुत डर गई थी। फौरन से उनके घर वालों ने अयतुल कुर्सी पढ़कर उन्हें दम किया और समझाया कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप शॉक में हैं, इसलिए आप जो कुछ सोच रही हैं शायद आपको वही नज़र आया होगा। लेकिन वो बार बार यही बात कहती थी कि मैंने जो देखा था वो झूठ नहीं था। ये मेरी ज़िंदगी का एक सच्चा और खौफनाक तरीन वाक्या था जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। ये एक हॉरर इंसिडेंट था जो जैन ने अटक से शेयर किया। बहुत शुक्रिया जैन आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं फरहान असर यूएई से।
फरहान कहते हैं कि आज आपके साथ एक ऐसा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे मेरी अम्मी ने बताया है। मेरी कज़न थी, एक दफ़ा वो गांव से वापस अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी, तो जिस रास्ते से वो लोग गुजर रहे थे वो रास्ता बहुत सुनसान और वीरान था। दोपहर का टाइम था, वो लोग अपने रिलेटिव से मिलने के लिए दूसरे गांव में गए हुए थे और हस्बैंड वाइफ जो थे वो मोटर बाइक पर वापस अपने घर की तरफ उस गांव से वापस आ रहे थे। दोपहर के वक्त उस रास्ते पर उनको दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। गर्मियों की दोपहर थी और बहुत ही सुनसान और वीरान रास्ता था। तभी उसी सुनसान और वीरान रास्ते पर जब उनकी नज़र पड़ी तो उन लोगों ने चार औरतों को देखा। वो बुरखा पोश चार औरतें थीं, लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि उन चार औरतों के जो कद थे वो आम इंसानों वाले कद नहीं थे। उनके कद ऐसे थे जैसे बहुत ज़्यादा लंबे कद हों। दराज कद चार औरतें थीं और वो बड़ी तेज़ी के साथ चलती हुई इन लोगों की तरफ ही आ रही थीं। जैसे ही लोगों ने उनके चेहरे देखे, उन लोगों के जो चेहरे थे वो बहुत ज़्यादा स्याह थे, काले लिबास में उनके चेहरे उससे भी ज़्यादा ब्लैक थे। ये लोग डर गए। इन लोगों ने फौरन से उनके पास से तेज़ी से अपना बाइक गुजारा, तो जो उनकी मिसेज थी वो पीछे पलटकर देख रही थी। उनके हस्बैंड बार बार उनको ये बात कह रहे थे कि पीछे पलटकर मत देखो, ये जो कुछ भी है इनको जाने दो। वो इतनी तेज़ी से उनके पास से गुजरी कि पीछे पलटकर देखने पर वो गायब हो चुकी थी। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने ये बात अपने घर वालों से शेयर की, तो घर वालों का ये कहना था कि गांव के उस कच्चे रास्ते पर आपने जिन ख्वातीन को देखा था वो इंसान नहीं जिन्नात थे जो उस वक्त वहाँ पर उस रूप में गुजर रहे थे। बेहतर ये हुआ कि आप लोग वहाँ से तेज़ी से निकल आए, अगर आप लोग उनसे हम कलाम हो जाते तो वो आपको नुकसान भी दे सकते थे। इसी तरह से फरहान कहते हैं कि मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, ये भी मेरी अम्मी ने मेरे साथ शेयर की है। ये किस्सा उन्होंने किसी से सुना था। वो कहती हैं, एक दफ़ा की बात है, चार दोस्त थे, उन लोगों ने मरी जाने का प्लान किया। उन लोगों का वन डे प्लान था कि हम लोग एक ही दिन में जाएंगे और वहाँ पर घूम फिर के वापस आ जाएंगे, लेकिन उनके घर वालों ने उन्हें सख्ती से एक बात मना की थी कि मगरिब से पहले पहले तुम लोग घर वापस आ जाना। उन लोगों ने ये कहा कि ठीक है, हम लोग वापस आ जाएंगे। वो इस्लामाबाद के रहने वाले थे। तभी वो चारों दोस्त मरी चले गए, वहाँ पर घूमते फिरते रहे। उन लोगों को टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब शाम ढल गई, यहाँ तक कि मगरिब भी हो चुकी थी। उन लोगों के घरों से बार बार उन लोगों को टेलीफोन कॉल्स आ रही थी कि तुम लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए, क्योंकि शाम के बाद वो रास्ते बहुत ज़्यादा सुनसान हो जाते हैं। उन लोगों ने ये कहा कि बस हम लोग वापस आ रहे हैं। वो चारों दोस्त जैसे ही वापस अपने घर के लिए निकले तो उस रास्ते पर उन लोगों ने देखा कि एक सड़क से वो लोग गुजर रहे थे जिसके दोनों साइडों पर काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ थे। अब वो उस वीरान रास्ते पर जा रहे थे, पहाड़ों के बिल्कुल पास उन लोगों ने किसी को खड़े हुए देखा। जब उन लोगों ने गौर किया तो वो एक नई नवेली दुल्हन थी। ऐसे लग रहा था कि अभी कोई दुल्हन तैयार होकर, जैसे बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से आती है, बिल्कुल सजी सवरी एक खूबसूरत लड़की दुल्हन बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी और उनको इशारा कर रही थी, लिफ्ट मांग रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि हम लोगों के साथ कोई भी फीमेल नहीं है, हम लोगों के साथ फैमिली नहीं है, पता नहीं ये कौन लड़की है, कोई घर से भागी हुई है या इसके साथ कोई मिसहैप हुआ है। अगर हमने इसको लिफ्ट दे दी तो ऐसा ना हो कि हम लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हम लोगों के ऊपर कोई केस करवा दे कि इन लोगों ने ही इसको भगाया है दिस एंड दैट। वो लोग डर के, उन लोगों ने तेज़ी से उसके पास से अपनी गाड़ी निकाल ली और उस पर तवज्जो नहीं दी। वो लोग कहते हैं, हम लोग काफ़ी उस टाइम पर ये बातें डिस्कस करते आए, पता नहीं कौन लड़की है इस वीराने में जहाँ पर पहाड़ हैं और एक अकेली सड़क है, वहाँ पर ये लड़की खड़ी है, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ होगा। अभी हम लोग ये बातें कर रहे थे, तकरीबन हम लोग 10 किलोमीटर आगे निकल आए, अभी भी वो रास्ता ख़त्म नहीं हुआ था जहाँ पर वो पहाड़ थे। हम लोगों ने जब देखा वही दुल्हन दोबारा 10 किलोमीटर बाद एक पहाड़ के बिल्कुल उसी तरह उसी अंदाज में खड़ी और हम लोगों को रुकने का इशारा करी थी। अब जब हम लोगों ने दोबारा से उसको देखा, हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये एक लड़की हो के इतनी जल्दी हम लोगों से पहले यहाँ पर पहुँच सकती है। वो लोग थोड़ा सा घबरा गए, उन लोगों ने अपनी गाड़ी आहिस्ता कर दी कि हम लोग ज़रा देखते हैं ये है कौन। जैसे वो लोग गाड़ी लेकर उसके करीब आए तो उसके पैर उल्टे थे। जब इन लोगों की नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो उसके पाँव उल्टे थे, क्योंकि जब इन्होंने गाड़ी रोकी तो वो चंद कदम चल के इनकी तरफ आगे आई। तो जब आगे चलते चलते उसने अपना ड्रेस ऊपर किया तो उसके पाँव नज़र आ रहे थे।
गाड़ी की लाइट में जब इन्होंने इसके पाँव देखे तो इसके पाँव उल्टे थे। ये लोग डर गए। वो पिछल पैरी चुड़ैल थी जो दुल्हन के रूप में वहाँ पर मौजूद थी। तभी इन लोगों ने अल्लाह अकबर कहा, आयतल कुर्सी पड़ी और तेज़ी से वहाँ से गाड़ी दौड़ाते हुए फिर इन लोगों ने पीछे पलट कर नहीं देखा। जब अपने अपने घर पहुँचे तो बहुत डरे हुए थे। घर वालों को जब ये बातें बताईं तो उनका ये कहना था कि उन पहाड़ी इलाकों में रात के वक्त बहुत ज़्यादा चुड़ैले और जिन्नात मौजूद होते हैं। कहा यह जाता है कि जिन्नात और चुड़ैलों का जो ठिकाना होता है वो ऊंचे पहाड़ों पर होता है। ऊंचे पहाड़ों पर बहुत सी ऐसी मखलूकात पाई जाती हैं जो बकायदा अपना आप जाहिर करती हैं, और जो लोग भी नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं वो लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि उन इलाकों में बहुत जिन्नात पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग वहाँ के इलाका मकीन हैं, जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, उन लोगों का भी मानना है कि रात होते ही पहाड़ों के ऊपर से बहुत से जिन्नात, बहुत सी चुड़ैलें इंसानी रूप में अपना आप जाहिर करती हैं, और अगर कोई उनसे हम कलाम हो जाए, उनकी बात सुन ले, तो वो उसको जानी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ये दो स्टोरीज थी जो फरहान असर ने यूएई से शेयर की। बहुत शुक्रिया फरहान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी तारिक शेयर कर रहे हैं। तारिक कहते हैं, मैं मियांवाली का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों के गांव की एक बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 10-11 साल पहले की बात है, हम लोगों के गांव में एक बहुत ही भयानक वाकया रूनुमा हुआ। हम लोगों के गांव का जो गोरकन था उसने हमें एक बहुत अजीबोगरीब बात बताई। उसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावना हादसा हुआ था जिसके बाद से उसने वहाँ पर काम करना ही छोड़ दिया था। वो जो गोरकन था उसका जो उसका ये ख़ानदानी काम था, यानी उसके वालिद और उसके दादा भी गोरकन ही होते थे, फिर इसके बाप दादा के बाद वो भी गोरकन ही था। तो वो कहता है कि हम लोगों के अबाव अजदाद से लेकर शुरू से ये काम चलता हुआ आ रहा है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गर्मियों का ही मौसम था, बहुत शदीद दोपहर थी, तो वो कहता है कि मैं कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहा था क्योंकि वहाँ पर कुछ नई कब्रें बनी थी, उनकी हिफाजत के लिए हमें वो बकायदा पैसे दिया करते थे। तो मैं उन कब्रों की तरफ से होता हुआ जब कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में पहुंचा तो मुझे बैक साइड से ऐसे आवाज़ आई जैसे मुझे किसी ने पुकारा हो। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन मेरा नाम लेकर बकायदा मुझे किसी ने बुलाया था। मैंने वहीं पर खड़े होकर इधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। उस तरफ काफ़ी ज़्यादा कब्रें भी थीं और उस वक्त उस तरफ बहुत ज़्यादा दरख्त भी थे। मुझे लगा कि शायद दरख्तों वाली तरफ जो कब्रें हैं वहाँ पर कोई आया होगा और शायद किसी ने कोई काम करवाना होगा, तो मैं जाकर देख लेता हूँ। मैं वहाँ से वापस दोबारा पीछे की तरफ चलता गया, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल उन दरख्तों के पास पहुँच गया। जैसे मैंने उन दरख्तों में झांक कर देखा, आवाज़ें दी, मुझे आगे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने इधर देखा, वहाँ पर ना कोई बंदा था ना बंदे की ज़ात, जबकि मुझे आवाज़ बाकायदा तौर पर किसी ने दी थी। मैं वहाँ से वापस आने लगा तो मुझे अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुनगुना रहा हो, लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन गुनगुना रहा है। मुझे बहुत सा गुस्सा है कि कब्रिस्तान में ऐसा काम कौन कर सकता है, भला कौन है जिसकी इस हद तक जिसका दिमाग ख़राब है कि वो कब्रिस्तान में गुनगुना सकता है, ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ बात है। तो उसने गुस्से से कहा कि कौन है, मेरे सामने आओ। वो कहता है, यहाँ तक कि मैं उन दरख्तों के दरमियान में चला गया। अब वो गुनगुनाने की आवाज़ मज़ीद बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दरख्तों में किसी दरख्त के ऊपर से कोई गुनगुना रहा है। उसने बकायदा कहा कि अगर तो ये हरकत गांव के किसी लड़के या किसी बच्चे की है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सामने आओ। तभी वो कहता है कि वहाँ पर एक बहुत कदीम और पुराना बेरी का दरख्त होता था, उसके साथ ही बिल्कुल एक पीपल का भी दरख्त था जो बहुत ज़्यादा घना था। ये आवाज़ें उस पीपल और बेरी के दरख्त के ऊपर से ही आ रही थी। जैसे मैं उनके करीब गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पर बकायदा कोई हंसा है। किसी के हंसने की आवाज़ भी आई, हंसने की आवाज़ किसी औरत की थी और गुनगुनाने की आवाज़ भी किसी औरत की ही थी। मैंने ये कहा कि ये क्या मजाक है, कौन है, सामने क्यों नहीं आता। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ से किसी ने बकायदा पूरी एक डाली तोड़कर मेरे ऊपर फेंकी हो। वो बिल्कुल मेरे पाँव के पास आकर गिरी, लेकिन मुझे नज़र कोई भी नहीं आ रहा था। वो रात तो थी नहीं कि वहाँ पर कोई छुप सकता, दिन की रोशनी थी, दोपहर का टाइम था। मैंने बहुत ज़्यादा गुस्से से फिर कहा कि बंद करो ये सब मजाक, तुम जो भी हो सामने आओ। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहाँ पर क्या हो सकता है।
तभी मैं तेज़ी से दीवार के ऊपर चढ़कर उस पीपल के दरख्त के ऊपर चढ़ गया। जब मैं पीपल के दरख्त के ऊपर चढ़ा तो एकदम से मुझे बहुत भयानक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे बिल्कुल कोई मेरे पीछे है और बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ में सांस ले रहा है और वो सांस बहुत तेज़ी से ले रहा है। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, उसके बाद मैं अपने आप को संभाल ही नहीं सका। मुझे बकायदा किसी ने उठाकर उस पीपल के दरख्त से नीचे कब्रों के दरमियान में फेंका। मैं वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। शाम तक मैं वहीं पर बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को वहाँ पर कब्रों के दरमियान पाया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर एकदम से मुझे याद आया, मैं उठने लगा तो मैंने उसी पीपल के दरख्त के दोबारा से उसको बैठे देखा। वो पाँव के बल बैठी हुई थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मुझे ही देख रही हो। उसको देखकर मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैं सीधा वहाँ से भागता भागता मस्जिद में गया। जब मैं मस्जिद में पहुँचा तो मैंने मौलवी साहब को कहा कि मेरी मदद कीजिए। इमाम साहब जो थे, जब उन्होंने मेरी हालत देखी, उन्होंने मुझे बिठाया और पानी पिलाया। मैंने इमाम साहब को ये बताया कि आज दोपहर को जैसे ही मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैं उस आवाज़ के तक्कों में उन दरख्तों के पास गया, और जब मैं उनमें से एक दरख्त के ऊपर चढ़ा तो मुझे अपने पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक छोटे से कद की बहुत भयानक चेहरे वाली कोई औरत थी, जिसके जिस्म पर जानवरों की तरह लंबे लंबे बाल थे। वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। उसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसके बहुत लंबे लंबे दांत थे, उसके सुर्ख रंग की आंखें थीं। जैसे मैंने उसको अपने इतने करीब देखा, उसने मुझे बकायदा अपने हाथों से उठाकर नीचे फेंका। मैं वहाँ पर काफ़ी देर बेहोश रहा। जब मेरी आँख खुली तो उसको बकायदा मैंने दोबारा उसी दरख्त के नीचे बैठे देखा। जब वो दरख्त के नीचे बैठी हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम वजूद की लग रही थी, लेकिन जैसे उसने मुझे देखा उसकी आँखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा मेरे ऊपर हमला कर देगी। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, वो भी खड़ी हुई तो उसका कद बहुत छोटा था। फिर मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। वो डरावने कह के लगा लगा कर हंस रही थी और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। मौलवी साहब ने फौरन मुझे दम किया, पानी दम करके मुझे पानी पिलाया। तो मौलवी साहब का ये कहना था कि भूल कर भी दोबारा उस बेरी और उस पीपल के दरख्त के पास मत जाना। वो एक चुड़ैल थी जिसका वहाँ से गुजर बसर हो रहा था, तो शरारत के तौर पर उसने तुम्हें तंग करना चाहा, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर तुम अकेले थे। वो वहाँ की मुकीम नहीं है, वो वहाँ पर गुजर रही थी, लेकिन अब उसने तुम्हें वहाँ पर देख लिया है। अब वो वहाँ पर कुछ दिन तुम्हारा इंतज़ार करेगी। 11 दिन अगर तुम वहाँ पर ना गए तो वो वहाँ से चली जाएगी, लेकिन 11 दिन से पहले अगर गलती से भी तुमने कब्रिस्तान में पाँव भी रख लिया तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। उसके बाद वो जो गोरकन था दोबारा उस कब्रिस्तान की तरफ गया ही नहीं। उसने बकायदा सब गांव वालों को ये कह दिया था कि वो अब ये काम नहीं करेगा। वो काम छोड़कर, गांव ही छोड़कर शहर चला गया। ये हम लोगों के अपने गांव का वाकया है। उसके बाद वहाँ पर एक और गांव से हम लोग किसी को लेकर आए थे, वो भी गोरकन ही थे। उनको बकायदा गांव में घर बना कर दिया गया। फिर वो फ़राइज़ उन्होंने वहाँ पर शुरू कर दिए, लेकिन उनके साथ दोबारा ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ था। ये हम लोगों के गाँव की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तारिक आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैं अनवर अलीगी का नावल बसेरा ऑन एयर कर रही हूँ, उसको ज़रूर विजिट करें, आप लोगों को पसंद आएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।